नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। AK महाविद्यालय सुखावाद में प्राचार्य MS यादव के संरक्षण में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों का दिवसीय द्वितीय शिविर का आयोजन स्टेशन रोड स्थित सुभाष पार्क में किया गया। योजना अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डॉक्टर संजीव कुमार के निर्देशन में NSS छात्र छात्राओं ने एक ही कॉलेज में स्वच्छता रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राओं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्टेशन रोड स्थित सुभाष पार्क पहुंची। इस दौरान पार्क में छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क की साफ सफाई की। छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत निकटवर्ती मोहल्लों में जनसंपर्क किया और घर घर जाकर महिलाओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MS यादव ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने भाषण में छात्र छात्राओं द्वारा किए गए श्रमदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। योजना अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने छात्र छात्राओं को सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु सदैव तत्पर रहने को कहा। साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार ने सामाजिक महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डाला। शिविर में डॉक्टर उमेश चंद यादव, डॉक्टर ML अग्रवाल, डॉक्टर जगदीश यादव, डॉक्टर JP यादव, डॉक्टर देवेश यादव, डॉक्टर राकेश यादव, रिजवी, हरेंद्र, उमेश, दिलीप, जनक सिंह आदि मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की एकांक रिपोर्ट। आज दिनांक 20 दिसंबर 2021 दिन सोमवार, AK महाविद्यालय सुखावाद में प्राचार्य MS यादव के संरक्षण में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों का संयुक्त एक दिवसीय द्वितीय शिविर का आयोजन स्टेशन रोड स्थित सुभाष पार्क पर किया गया। NSS छात्र छात्राओं ने AK कॉलेज से स्वच्छता रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राओं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्टेशन रोड स्थित सुभाष पार्क पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क की साफ सफाई की। छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत निकटवर्ती मोहल्लों में जन संपर्क किया और घर घर जाकर महिलाओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। धन्यवाद।